लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जिलाधिकारी व एसपी ने किया कोयलर सोन नदी घाटों का निरीक्षण। घाट की साफ सफाई बेहतर तरीके से करने का दिया दिशा निर्देश। कोयलवर के सोन नदी घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे भोजपुर जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा व एसपी विनय तिवारी ने कोयलवर प्रखंड स्थित विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि कोयलवर के शिव मंदिर से बगल तरफ घाट पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि घाट पर बहुत ज़्यादा कीचड़ भरा हुआ है। इसी कारण यहां पर बैरिकेडिंग कर और इसे बंद किया जाएगा। सभी छठ व्रतियों को आगे घाट पर जाने के लिए पुलिस प्रशासन की तैनाती भी की जाएगी। उन्होंने कुछ दूर पर और उस घाट पर पूजा करना होगा। वहीं जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा का कहना है कि छठ व्रतियों के लिए चेंजिंग रूम और लाइटिंग की व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त होनी चाहिए। नगर पंचायत को दिशा निर्देश दिया। कहा, कोयलवर के सभी घाटों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि सोन नदी में दोबारा पानी आने से घाट काफ़ी पाकी जैसे मिट्टी बन चुका है। छठ व्रतियों को कठिनाइयों का सामना करना ना पड़े, इसी कारण हर एक जगह पुलिस की तैनाती की जाएगी। वहां उपस्थित अधिकारियों व पुलिस पदाधिकारी को इससे संबंधित दिशा निर्देश दिया गया है। कोयलवर सोन नदी घाट के चिन्हित कर उन्होंने कमर से ज़्यादा पानी वाले जगह पर बैरिकेडिंग करने का निर्देश दिया। जल्द से जल्द बैरिकेडिंग करने का आदेश दिया है। छठ पूजा के दिन घाटों पर पहुंचने वाले वाहनों की पार्किंग व्यवस्था, पूजा स्थल से कुछ दूरी पर नवनिर्मित पुल 6 लाइन के नीचे गाड़ियों का पार्किंग किया जाएगा। निरीक्षण करने आए हुए अधिकारी भोजपुर डीएम व एसपी के निरीक्षण के दौरान कोयलवर के अंचलाधिकारी संजय कुमार सिंह व विकास पदाधिकारी विजय कुमार मिश्रा, कोयलवर थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार एवं पुलिस बल शामिल है। काफी पानी